देखिए, आरएस बाली पहली पहली बार के विधायक हैं और जब पहली बार व्यक्ति बनता है तो बहुत शौक होता है और उनको वो दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री भी हैं। और जिस प्रकार से पर्यटन विभाग 2 वर्ष से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में काम कर रहा है, वो संदेह के घेरे में है पूरा का पूरा, शुरू से लेकर आज तक। और उनका ये कहना कि सुधीर शर्मा ने झूठ बोल दिया कि हिमाचल भवन जो है दिल्ली में, उसका तो हमने बिल दे दिया है, तो हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट ने ये फैसला क्या सुनाया है कि आपको 64 करोड़ रुपया, पहली बार 2023 में जनवरी में कहा था कोर्ट ने कि 64 करोड़ रुपया इनका देना है, और जब से देना है तब से 7% ब्याज के साथ ये देना है। और वो कहते हैं सुधीर शर्मा ने लिखा 150 करोड़, कितना बनता है जमा जोड़ करके बता दें जनता को। और हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा कि उस प्रॉपर्टी को ही अटैच कर दीजिए, अगर आप जो सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड है जिन्होंने ये केस किया हुआ था उनके पैसे नहीं दे सकते हैं तो इसको अटैच कर दिया जाए। दूसरा, जो हिमाचल ये HPTDC की प्रॉपर्टीज़ प्रदेश के अंदर है, ये उसका फैसला भी तो कोर्ट का ही आया। और कोर्ट में मैंने पहले भी कहा था कि जो तथ्य दिए गए वो पूरे नहीं दिए गए, आपने सिर्फ ऑक्यूपेंसी के ऊपर तथ्य दिए, अभी तो मामला स्टे हुआ है, अभी तो तलवार गर्दन पे रखी हुई है, हटी नहीं है, तो आपने वो तथ्य जो हैं वो पूरे खुद नहीं दिए। उसमें सिर्फ आपने बताया कि ऑक्यूपेंसी, और उसके अलावा मैंने जैसे पहले कहा था कि बाकी जो आय होती है इन प्रॉपर्टीज़ को, जिनको कि जो कि एक गौरव है हमारे पर्यटन विभाग का, और कब से इनका निर्माण हुआ और कब से जो हैं लोग जो हैं इनकी सेवाएं जो हैं वो ले रहे हैं, पर्यटक आ करके रहते हैं, स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलता है, तो उसका जवाब आपने पूरा कोर्ट को नहीं दिया। तो मैंने उसमें क्या लिखा कि मुझे मंशा पर शक है, तो मंशा पर कब शक होता है, जब व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है तब शक होता है, और मैं बिना तथ्यों के आधारहीन बात कभी करता ही नहीं हूँ। और ये तो पूरे ऐसे दूध के धुलेपन करके आ गए कि सुधीर शर्मा ये हुआ फैलाता है। ये प्रश्न था हमारा, पिछला जो सदन था हमारा जब लगा था विधानसभा का सत्र, उसके अंदर प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना जो है ये बंद क्यों हो गई, उसके बाद ED के छापे क्यों प्रदेश के अंदर पड़े, इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किसको गया, इसमें नंबर 58 पर हिमाचल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को 2 वर्षों में 14,07,75,000 रुपया दे दिया गया और 10,75,00,000 रुपया अभी लेने को है, उसमें से पता नहीं अभी कितना ले लिया होगा। ये हिमाचल हेल्थ केयर क्या है, फोर्टिस का आंकड़ा है, किसका है सब जानते हैं। तो जब राजनीति में आते हैं तो आप कुछ चुन करके इसलिए भेजा है अपने क्षेत्र की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें, प्रदेश के लिए कुछ नया करें, ना कि सिर्फ अपने निजी हितों को देखते हुए जो है प्रदेश की संपदा के साथ इस तरह से खिलवाड़ जो है उसको नहीं होने दिया जाएगा। अभी शीतकालीन सत्र आना है, सत्र के अंदर मुद्दा उठेगा, विधानसभा का घेराव जनता करेगी धर्मशाला के अंदर, जिस तरह से ये सरकार चल रही है और जिस तरह से प्रदेश के बेरोजगारों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, महिलाओं को कब से आप लोग जो है वो ठगने का एक प्रयास कर रहे हैं, लाहौल स्पीति जाते हैं वहाँ 1500, डोडरा क्वार में 1500, अभी रिपोर्ट आई है कि ये जो RTI के माध्यम से कि जो 1500 है अब ये मार्च तक नहीं मिलेगा अगले वर्ष, क्योंकि कागजों की स्क्रूटनी हो रही है। तो ये सरकार जो है पूरी झूठ के ऊपर कार्य कर रही है, पहले इनको अपनी सरकार को देखना चाहिए। जो विभाग है, जो कॉरपोरेशन है हिमाचल टूरिज्म की, उसके कर्मचारियों ने जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया के सामने आकर के बात रखी अपनी कि किस तरह से वो बार बार ये मांग करते रहे कि क्या सुधार किए जाने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं की गई। उन्होंने किसका इस्तीफा मांगा, उन्होंने क्या कहा मुख्यमंत्री से, इन्हीं का इस्तीफा मांगा जो आज कहते हैं सुधीर शर्मा जो है वो झूठ बोल रहे हैं, और पहली बार इस प्रदेश में ऐसा हुआ है। और ये सार्वजनिक बात है कि जब टूरिज़्म बोर्ड की मीटिंगें हुई हैं उसमें
ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल के अलावा जो लोगों को अंदर बुला करके बिठा लिया जाता है, वो मीटिंग का पूरा डिस्कशन को नोट करते हैं ये कौन लोग हैं, और साथ ही साथ उसमें ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाता है, उनको कहा जाता है कि ये तो एक्सपर्ट आ गया है, अब तो उसको सुनना पड़ेगा, और एजेंडा आइटम ही नहीं है वो। एक वर्ष से ये जो होटल घाटे में गए हैं, इन होटलों ने बार बार लिखा कि हमें परचेज़ करनी है, बेडशीट नहीं है, पिलो नहीं है, रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, परचेज़ नहीं हुई, क्या करते रहे 2 वर्षों में। तो ये दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये तो राकेश पठानिया के टाइम के घट्टे हैं। राकेश पठानिया स्थापित नेता हैं, और वो क्यों आकर के उन्होंने मीडिया के सामने सारी सच्चाई रखी, वो झूठ क्यों कहेंगे, और झूठ कह रहे हैं तो आप जांच कर लो, पूरे तथ्य उन्होंने रखे हैं। उनके समय में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि अनुभव था, निजी हित नहीं था, प्रदेश हित में काम कर रहे थे। तो ये सारी बातें जो हैं जनता जानती है, सरकार की पूरी पोल खुल चुकी है। जो ये जुंडली मुख्यमंत्री के आसपास काम कर रही है, जो कि सिर्फ अपने स्वार्थों को साध रही है, वो तो जनता के सामने है, और जनता इसका जवाब अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं उसमें दे चुकी है, और आगे आने वाला समय भी जो है वो प्रदेश सरकार के लिए कोई शांति वाला नहीं है। क्योंकि अगर निजी हितों को साधते रहेंगे तो इनके अपने अंदर ही बहुत बड़ा बिखराव है, और टुकड़ों में बंटी हुई है वर्तमान में जो कांग्रेस है प्रदेश के अंदर, और जो विधायक हैं वो भी अलग अलग गुटों में बंट गए इनकी कार्यप्रणाली के चलते। पाली ये भी कह रहे हैं कि जो हिमाचल भवन है वो एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टी नहीं है, जीएडी की प्रॉपर्टी है, और जो एचपीटीडीसी है वो उसका संचालन करता है। तो घाटा किस किसके द्वारा हुआ, जो संचालन करेगा उसी के द्वारा हुआ, संचालन करने के लिए आपको दिया गया था, ये परिस्थितियाँ तो संचालक के द्वारा उत्पन्न की गई हैं, कोई जीएडी को उसका घाटे की दोषी नहीं है। जो संचालन कर रहा है, जो उसका रेस्टोरेंट चला रहा है, जो उसका किचन चला रहा है, जो उसके रूम रेंट पर दे रहा है, वो संचालक जो है वहीं से जो सारी है वो गड़बड़ हुई है, क्योंकि ऊपर से नियंत्रण ही किसी चीज़ पर नहीं है। जब आप स्वयं वहाँ पर जा कर के नहीं देखते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री तक तो जाकर के भवन में रुकते नहीं हैं, तो ये भवनों सदनों का क्या होगा। और कुछ ऐसी भर्तियां हुई 2 वर्षों में जो बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्ति थे, लगभग 70 लोगों की भर्तियां हुई हैं, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो हिमाचल सदन दिल्ली में गबन करके पैसे का भाग गया, सरकारी पैसे का। वो किसने उसको लगाया था, आप ही के समय में नियुक्तियाँ हुई हैं, कहाँ का व्यक्ति था, ये जवाब देने चाहिए। एडीबी प्रोजेक्ट को लेकर भी वो कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हैं उनको खत्म होने की बात कही जा रही है। एडीबी प्रोजेक्ट जो हैं इस प्रदेश के अंदर, धर्मशाला के अंदर ही आप देख लीजिए, अगंजर महादेव के साथ कितना बड़ा भवन खड़ा हुआ है, बंद पड़ा है, ताले लगे। ट्यूलिप गार्डन जो कि नरवाणा में बन रहा था, बंद पड़ा है, ताले लगे हैं। शिवधाम मंडी का कार्य चल रहा था, बंद पड़ा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एडीबी के जो बंद पड़े हैं, और बीड़ के अंदर जो पैराग्लाइडिंग का इंस्टीट्यूट था, जो कि स्कूल खुलना था ट्रेनिंग के लिए, उसको भी जो है वो चर्चा है कि निजी क्षेत्र में होटल चलाने के लिए दिया जा रहा है। तो ये तो जो बने हुए हैं उनका हाल है। जो अगले प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए प्रदेश के बाहर जाकर आप इन्वेस्टर के साथ मीट करते हैं, प्रदेश के अंदर क्यों नहीं करते। यही मीट आप ये जो होटल जितने बंद हुए हैं इनमें अच्छी व्यवस्था है, प्रदेश के अंदर उनको बुलाते, यहाँ मीट करते, तब व्यक्ति की मंशा पर शक होता है। जब वो ऐसे आनन फानन में प्रदेश के बाहर जा कर के जो है ऐसे इन्वेस्टर्स मीट करता है, और एडीबी में तो ये प्रचलित हो गया है कि ठेका उसी को मिलेगा जो 10% देगा। अब ये किसको दे रहा है, कौन मांग रहा है, क्या चल रहा है, ये एक और जांच का विषय है। तरुण श्रीधर एक बहुत अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, और अब रिटायरमेंट के बाद उनको ये जो है कार्यभार सौंपा सरकार ने, इन्होंने जो दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्रदेश हित में काम करेंगे, जैसा कि उनके ऊपर विश्वसनीयता है प्रदेश के लोगों की, ना कि किसी के पारिवारिक या व्यापारिक दबाव में आकर के
इस प्रदेश के हितों से खिलवाड़ करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे वो व्यक्ति रहे भी हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता से काम करने वाले हैं।